नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं घग्गर नदी के ओटू वियर पे और आपको दिखा रहा हूं कि ओटू हेड है ये सिरसा ज़िले का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल से लगातार घग्गर नदी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और चूँकि सिंचाई विभाग ने, क्योंकि कल दो दिन पहले है वो सारे जो फाटक है वो दो फाटक खोल दिए थे, और घग्गर नदी के इस जो झील में, ओटू झील है ये, इसमें जितना पानी जमा हुआ था वो आगे राजस्थान की तरफ है वो छोड़ दिया, और अब भी जो है करीब जो है तीन फाटक है वो अभी खुले हैं, और ये करीब 1800 क्यूसिक पानी है वो राजस्थान की तरफ है वो छोड़ा गया है। हालांकि पानी का जलस्तर है वो पीछे भी लगातार बढ़ रहा है, और हमने आपको पहले बताया था कि गुलाचिका जो है वहाँ पे 66,000 क्यूसिक पानी है वो बह रहा है घग्गर नदी में। इसके साथ साथ चांदपुर में 12,500 क्यूसिक पानी है, खनौरी में जो है 14,575 क्यूसिक पानी है, सरदूलगढ़ में करीब 10,000 क्यूसिक पानी है, और सिरसा में जो है पानी है वो करीब उतना ही, आप इसको कह सकते हैं कि करीब जो है 4,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी है वो सिरसा में बह रहा है। 1800 क्यूसिक पानी है वो आगे छोड़ा जा रहा है राजस्थान की तरफ। ये जो है ओटू हेड की तस्वीर है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो किसान हैं हमारे साथ है, काफ़ी संख्या में, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जब जब भी घग्गर में पानी आता है तो ये पानी राजस्थान की तरफ छोड़ते हैं। हालांकि घग्गर नदी से निकलने वाले जो तमाम खरीफ चैनल हैं वो अभी बंद पड़े हैं, और कुछ खरीफ चैनल्स में पानी चल रहा है, कुछ में बंद है। सर, क्या नाम आपका? मदन लाल है जी। तो सर, आप कौन सा काम आपका? मैना खेड़ा जी। मैना खेड़ा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस घग्गर नदी के जलस्तर को लेकर के? किसान घग्गर नदी के कहा जी, आगे लेर लोग डूब रहे हैं, आगे डूबण आ रहे हैं, मारकने शेरा वाली चैनल आई, मैं पानी कौन छोड़ रखे, जब कल परसों डीसी साहब आया, आगे टपवा दिया पानी, मारी नहर में भी छोड़ सके पानी, पर कोनी कोई गौर कौन करे किसान आगे, क्योंकि सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट अधिकारी हो रहा है, सब ने पीस है खाने का, मतलब है जी बाढ़ आओगे तो पीस खा जाएगा, जो है वो सारो खा जाएगा, पीस को बनाना है कमाई आई है। ये पानी राजस्थान निकाला जा रहा है, यहाँ पे जो है पीछे भी, क्योंकि बाढ़ आई हुई है कई जिलों में, लेकिन यहाँ पे बरसात नहीं है तो किसान है वो, उनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हाँ जी, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, धान खराब हो रहा है जी, मोटर का पानी है, खारा पानी है, पानी सही है कोनी, पानी अगर माने देवे तो हमारी फसल बन जाए, फसल बने तो अन्न खरीदनी पड़े तो पैसा देना पड़े, सरकार यहाँ देखे किसान ने पानी नहीं मिले तो मान लो फसल कौन हो, फसल ना हो तो आप ही मर जाओ। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, कौन सा काम आपका सर? मंगाला। मंगाला, क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह से पानी बढ़ रहा है लगातार? पानी दे जीवन दे इथों एरिया नु की फायदा, जो नहरा बंद पईयां सारीयां, टोटल नहरा बंद पईयां, किसे नु पूरा पानी नहीं, किसे नहर च मल्ले का मंगाला में अंदर सब बंद पए है टोटल, ते सानू इहदा की फायदा, पानी कहां कड्डी जांदे सर अफसर रल के, ये टोटल बंद पए है, यानी पानी है वो यहाँ के किसानों को तो मिलना चाहिए, इन्हों की फायदा भी किसानों नु, नहरा पट्टियां की फायदा, किसान बैठे है वेले, जे टोटल फोटो खिंच लो जिन्ने मेंदर सारे बंद पए है, ये तो सानू कोई फायदा नहीं, नाली गंदा पानी का भी की फायदा जिमीदार, अज ना पानी मिलू मिलू कि बारिश भी है नहीं, इस करके तो किसानों का जो धान है, बीज रखा है, धान की फसल है, नरमा की फसल है, वो सूख रही है बिना पानी? हाँ, पूरे सूख रही है जमा, बिल्कुल। तो पानी मिलना चाहिए किसानों को? पानी तो मिलना चाहिए, पानी तो बिना कुछ भी नहीं, इतने ट्यूबवेल पानी डूंगे है, 200 फुट पानी पे खारे पानी है, तो इस करके इसे निर्भर है इतों का किसान, जिन्हें नहरा कढ़िया इन्होंने भी वो पानी चलना चाहिए नहर च, ये बिल्कुल मेहनत बंद है सारे, कल भी बंद सी, आज भी बंद पे है, तो पानी अगे राजस्थान में डुबाई जाते। हाँ जी, आपका क्या नाम सर? राजेश है जी। कौन सा गांव आपका? मैना खेड़ा जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसानों को पानी मिल पा रहा है? पानी कितने मिल रहा है जी? पानी तो सारा अगे कड़ी जाते जी। अच्छा, नहरा बंद पंजा ने, जिमीदार परेशान ने, गेड़े तो गेड़ा मारते ने, प्रशासन कोई सुन ही नहीं रहा जी, परसों तो डीसी साहब ने सारा अगे कढ़ा था, पानी हूँ अगे टप्पी जाता, अगे इन्ने की तो लोड़ ही कोनी, सारे नु बराबर वंडना चाहिए पानी था। हाँ जी, तो इस पानी से फसलें भी बढ़िया होती होगी, क्योंकि कच्चे पहाड़ों की मिट्टी लेकर के आता है पानी, फसलें तो एक नंबर होती है जी। अच्छा, इस पानी। हाँ जी, हाँ जी, तो पानी मिलना चाहिए किसानों को? पानी तो हम तुम्हें पता है जी, तुम्हें आपू ही पता है जी, तुम पता नहीं किन्नी जगह जाते हैं जी रोज़, पानी ये तो जिथे लग जाए जी एक नंबर है जी, यानी कि बंजर भूमि भी सोना उगल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो पानी वो नहरों में छोड़ नहीं रहे, आगे छोड़ रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ और किसान भी हमारे साथ है। हाँ जी सर, फालतू ने फिर छड़न। क्या नाम सर? सर हरदीप सिंह जी। तो पानी मिल रहा है किसानों को, क्या कहें? वो पानी तो मिल रहा है किसानों, पीछे तो झोने हैं, झोने कटने वाले बंद करें, मेंडर खाली भी मेंडरा छड़न पानी, तो फालतू पानी फिर अगर छड़न,
पिछले मैंटर तो कितने ने सारे अभी मैंटर खाली पे ना भाई पर सारे खाली पे हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ माइनर खाली पड़े हैं जो खरीफ चैनल है जो हाँ जी हाँ जी चैनल में छोड़ना चाहिए बिल्कुल 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 तो आज किसान इसी मांग को लेकर के यहाँ पहुँचे हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारे किसान खड़े हैं सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं हाँ जी आप कहाँ से डानीकान सिंह जी तो ये मंगाला डायरेक्ट जाता हूँ आपके हाँ जी मंगाला माइनर जी और खाली पड़ा है बंद है तीन चार दिन हो गए बंद ही पड़ा है पानी सारा निकाल रहे हैं आगे सारे सेम नाले बंद पड़े हैं ए टू या डी और सारा दान की एरिया है और सारी खाली पड़ा है इस टाइम इसी पर निर्भर है किसान को सोखा लग रहा है जो ने धान में पानी नहीं है और किसान इसी पर निर्भर है किसान को पानी दें और सरकारी किसान सिंचाई करे इससे पीछे तो जो है बाढ़ आई हुई है बाढ़ का क्या करें सर खेत में सिंचाई नहीं होगी तो क्या करेंगे जब माइनर पर पानी छोड़ेंगे किसान सिंचाई करेगा सिंचाई से करेगा तो फसल को पानी लगेगा हाँ जी बढ़िया होगी माइनर में तो किसी में पानी नहीं है हाँ जी ठीक है कुछ और किसान भी हमारे साथ है हाँ जी आप कहाँ से है सर जी धनूर गाँव है सर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे किस चीज के बारे में सर है? पानी को लेकर के माइनरों में पानी छोड़ा जा रहा है उसकी मांग को लेकर के पहुंचे किसान जी जी ऐसा जो पानी है सर पानी कम से कम आगे निकाला जाए फसलों को भी बचाया जाए और पीछे भी बचाव के कारण देखते हुए हाँ जी आपका क्या नाम है सर मेरा नाम हरपाल सिंह है जी तो आप कहाँ से आए हो मैं तो सिरसा से आया जी आप किस लिए आए मैं तो रानिया जा रहा हूँ जी अच्छा रानिया जा रहा हूँ वैसे देखने के लिए आए वैसे देखने के लिए आए कितना पानी है भी देखें भी कितना क्या माहौल है पानी कितना कह रहे थे कल तो कह रहे थे बहुत पानी है पर यहाँ आके देखा भी पानी इतना नहीं है मैं तो ये पीछे पीछे पानी आ रहा है गुला पीछे हेल्प भेजनी चाहिए अपने पंजाब में अपनी मदद वहाँ भेजनी चाहिए इधर कोई डर नहीं है उनका सोचना चाहिए हमें हरियाणा वालों को जहाँ पानी ज़्यादा है धन्यवाद तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ओटू जो है वीर की तस्वीर दिखा रहे हैं ये ओटू हेड है जहाँ पे जो है पानी है 1800 क्यूसिक पानी है वो राजस्थान की तरफ है छोड़ा गया है और आपको चूँकि पानी आया है इस बार और जो है केलियां हैं वो भी आ रही हैं कई जगह मशीनें पोक लाइन मशीन है वो यहाँ पे लगाई हुई है और कई जगह जो है लोग हैं वो भी इस जो है केलियों को निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से कई साइफन बंद ना हो जाए क्योंकि घग्गर नदी जो थेड़ सईदा के पास है ये साइफन से होकर के और राजस्थान कैनाल के नीचे से राजस्थान की तरफ इंटर करती है तो वहाँ पे भी जो है सिंचाई विभाग का के जो अधिकारी हैं हरियाणा के और राजस्थान के वो वहाँ पे लगे हुए हैं और ओटू हेड की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे 1800 क्यूसिक पानी है वो राजस्थान की तरफ छोड़ा जा रहा है हालांकि जो माइनर हैं जो खरीफ चैनल्स हैं वो बंद पड़े हैं और किसानों में भी इस बात का गुस्सा है कि जो है खरीफ चैनल्स हैं वो शुरू होने चाहिए ताकि किसान हैं उनको पानी मिले एक तरफ जहाँ किसान हैं इस पानी से जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं फसलें डूब रही हैं वहीं जो है किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनके खरीफ चैनलों को जो है पानी दिया जाए ताकि जो है वो उनकी फसलें ठीक हो सके पानी जो है वो ठीक हो सके ताकि इस पानी का फ़ायदा वो उठा सके लेकिन राजस्थान की तरफ पानी छोड़ रहे हैं इस चीज़ का गुस्सा भी किसानों में है कि उनको भी जो है पर्याप्त पानी है वो मिलना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं तमाम घग्गर से जुड़ी हुई तमाम वीडियोस को लेकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए ताकि तमाम अपडेट आप तक मिलती रहे बहुत बहुत शुक्रिया